माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार आज मैं ज़रा इधर आया था नोएडा में, सूरजपुर साइड, और मैं यहाँ से अभी वापस जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है रास्ते में। वैसे तो अभी मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ, बट ठीक है, देखते देखते जाते हैं, कुछ अगर देखने को मिलता है तो। पर एक तो आज धूप भी बहुत है यार, धूप की वजह से बहुत, एक तो मतलब और मन नहीं करता धूप में राइड करने का। एक तो अक्टूबर का एंड आ गया, बट इससे कुछ भी ठंड का नामो निशान नहीं है। गर्मी में और दिमाग ख़राब होता है हेलमेट पहन के चलाने में यार, और ट्रैफिक लगी गई, ट्रैफिक लग जाए तो और दिमाग ख़राब होता है। चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं बोलूँगा कम, ताकि थोड़ा मैं अपने RS की रॉ साउंड जो है वो रिकॉर्ड करूँ। आप लोगों को भी अच्छा है, मज़ा आए। बोल बोल के थक ही जाऊँगा वैसे भी मैं इतनी गर्मी में। मैं चाहता हूँ थोड़ा रॉ, और यार वहाँ पर चेकिंग हो रही थी पीछे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा रॉ साउंड रिकॉर्ड करूँ मैं। चलो देखते हैं क्या मिलता है देखने को। देखने को मिला नहीं, बट देखते हैं यार। एक तो इधर की सड़क भाई इतनी गंदी हो रखी है, इतनी गंदी हो रखी है यार, सच में मुझे समझ नहीं आता यार गवर्नमेंट करती क्या है। सारा रोड टैक्स जाता कहाँ है, देख रहे हो रोड की हालत, देख रहे हो आप भाई, इतनी गंदी, इतना धूल उड़ रहा है। एक तो बीच में ही है ना, गड्ढे का पता ही नहीं चल रहा है कितना गहरा है। चलते अचानक से ओ भाई देखो, अचानक से ही मतलब गड्ढा आ जा रहा है प्रॉपर, और उसी में जाम भी लगा इधर। एक तो पीछे मैंने मडगार्ड भी नहीं लगाया, अच्छा खासा कीचड़ उड़ रहा होगा मेरे पीछे आज, बट कोई नहीं, इसी में धीरे धीरे निकलते जाते हैं। बट यार ये गलत है यार, हमेशा इधर जब भी हो ना थोड़ा रोड देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। भाई देख के धीरे देख के धीरे आराम से भाई, देख के यहाँ पर सारा गड्ढा है, धीरे जाते हैं। ओ भाई गया, बच गया। पहले तो यहाँ से निकल जाते हैं यार ध्यान से, फिर बनाएंगे ब्लॉग। पता चला यही गिर गया, बन गया ब्लॉग आज का। फाइनली वो ख़राब रास्ता ख़त्म हो गया, और अभी आगे बढ़ते हैं। भाई इतनी हालत ख़राब हो चुकी हो धूल और उसने गंदे रास्ते में, और ये भाई अच्छा भाई आगे निकलते हैं। हमें क्या, कहाँ से निकले आगे भाई, साइड दे दो थोड़ा, तो साइड दे दो। इधर से निकलते हैं भाई, स्प्लेंडर पे आप लगा रहा है, फुल इम्प्रेस करने में है भाई स्प्लेंडर पे। थोड़ा सा साइड दे दो दोस्त, और अब निकलते हैं हम। यार अभी तक तो कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, बट देखते हैं, होप आगे कुछ अच्छा मिल जाए ऐसा जो हमें भी मज़ा है थोड़ा देखने में। आगे शायद कुछ तो मुझे दिख रहा है, देखते हैं। आगे शायद मुझे कुछ तो कंटेंट दिख रहा है सॉरी, बट देखते हैं। ओके चलो कुछ तो मिला आज भाई, R15 का। ओके आराम से चलाएँगे, देखते हैं। भाई भी फुल स्पीड में है, फुल स्पीड में है भाई। कोई नहीं, वो भी तो शो ऑफ करेगा ही। चलो देखते हैं कहाँ तक रेस लगती है अब, क्योंकि रेस तो लग चुकी है। जैसे ही मैंने उसके बगल से निकाला उस रेस तो तभी लग चुकी थी। अब देखते हैं कहाँ तक रेस चलती है। तक था रेस तो मज़ा आया भाई के साथ रेस करके। अच्छा रेस किया भाई ने, बट ठीक है यार, अब मुझे यहाँ से ही होटल लेना था तो मुझे रेस एंड करना पड़ा, वरना और आगे तक जाते। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।